स्विच ऑफ करने में लगता है उतना ही टाइम यहाँ ड्रामा रूपी टीवी को स्विच ऑफ कर आत्मा अपने घर में है। ये घर लाइट का घर है, अविनाशी है। यहां पर सब कुछ सदा है। एक ऐसी दुनिया जहां पर कभी भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, विनाश नहीं होता। वंडरफुल है अदृश्य आत्मा, सूक्ष्म बिंदु के रूप में यहां पर अपने पूरे परिवार के साथ प्रेजेंट है, मौजूद है। सारी आत्माएं यहां पर प्रेजेंट हैं, सब अदृश्य सितारे के रूप में। और ये बहुत प्यारी फैमिली है, छोटा सा परिवार है। सब एक साथ हैं। सभी सितारों का माता पिता भी यहां पर है। और यहां अपने घर में सब एक साथ, स्वीट फैमिली, स्मॉल फैमिली, स्वीट फैमिली। सबका मन भोलेपन से भरपूर है, निर्मल है। और सभी सितारे आपस में प्रेम का रिश्ता, आपस में सुख का संबंध अनुभव करते हैं। आत्मा सितारा यहां बाबा की कंपनी में है, सत्य के संग में है। बाबा के साथ बहुत सरल, सहज। तो मीठा संबंध है।
और आत्मा भरपूर है, फुल है, सत के संग में है, श्रेष्ठ संग में है, भरपूर भी है, दुख मात्रम अविद्या, फिक्र मात्रम अविद्या, और एक एक के साथ भी सुख का, हल्केपन का संबंध है। यही असली दुनिया है, यही अविनाशी दुनिया है। इसके अलावा सब कुछ, घर के अलावा और घर में इस परिवार के अलावा, बाकी सब जो रंगमंच पर दिखता है, चलता है, वो कहानी है। कहानी शुरू होती है और अंत होती है। कहानी में तरह तरह की बातें आती हैं, वो सब कुछ कहानी के अंदर है। सभी किरदार, सभी शरीर रूपी वस्त्र, शब्दों रूपी स्क्रिप्ट, सब कहानी के अंदर है। कहानी के बाहर है वंडरफुल दुनिया। इस वंडरफुल दुनिया, यहाँ पे वंडरफुल आत्माएं, वहाँ रे मैं, वहाँ बाबा, सब वहाँ वहाँ है। और जब ये बाहरे में आत्मा, ये भरपूर आत्मा कहानी को देखती है, पूरी कहानी के लिए, वाह कहानी वाह, वाह ड्रामा, तो कहानी की डिटेल्स से कोई कोई ताल्लुक, कोई मतलब नहीं रहता। पूरी स्टोरी बुक, पूरी कहानी बहुत अच्छी है।
उसके अंदर जो बातें हैं, उसकी गहराई में जाना या उसको एनालाइज करना, उस पर विचार करने का कोई दिल नहीं होता। क्योंकि दिल सबसे ऊंचे अनुभवों में है, दिल अविनाशी दुनिया, अविनाशी संसार को, उसकी गहराई में जाने में, उसकी डिटेल्स, लाइट की दुनिया की डिटेल्स में बिजी है। पूरा परिवार, पूरे परिवार का जो सबसे अच्छा मित्र है, सभी आत्माओं का सच्चा मित्र, उस सच्चे मित्र की व्यक्तित्व को जो सदा सत्य है, सदा सुंदर है, उस व्यक्तित्व को अनुभव करने में, जानने में दिल बिजी है, दिल इंटरेस्टेड है। कहानी भी चलती रहती है, कहानी में पार्ट रोल चलता रहता है, वो पूरी चलती हुई कहानी को आत्मा जब मनाए देखती है, कहानी समझ कर देखती है, और जब मन आए तो कहानी को साइड में रख कर, किताब को साइड में रख वंडरफुल दुनिया का अनुभव, अनुभूति वंडरफुल आत्माओं के साथ की अनुभूति करने लगती है। ये मौका है सभी के पास, ये अनुभव सभी का अधिकार है, बस एक सेकंड में समझ को चेक करना है, बुद्धि को रिफ्रेश करके बुद्धि रूपी यंत्र को रिस्टार्ट, रिफ्रेश करके एक सेकंड में ये अनुभव, ये सभी प्राप्तियां, ये सारी अनुभूतियां, सब कुछ मौजूद है।
ओम शांति। ओम शांति। तो हमारा विषय अगर हम देखें कल से, आत्मा की ओरिजिनल स्टेट, संपूर्णता की स्थिति, फुल, ऑलरेडी बीइंग फुल, और अभी जो हमने अनुभव भी किया और अपने अपने एक्सपीरियंसेस से भी हम जान सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया सीक्रेट है, या कहें कि बहुत ही इजी इजी चीज है, जहां से हमें पता चलता है कि आत्मा ऑलरेडी कंप्लीट है, फुल है, उसको कहीं पर भी कुछ अपने में ऐड करने की जरूरत नहीं है, फुल एंटिटी है, कंप्लीट है, और यहाँ पर आती है थोड़ी देर के लिए और पास होती है डिफरेंट डिफरेंट सीन से, और उन सभी सीन से हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर की स्टोरी चलती है ऐसे ऐसे, बट ये है स्टोरी कैरेक्टर की, लेकिन वो आत्मा की मेरी स्टोरी नहीं है, सोल की कहानी नहीं है, वो जस्ट कहानी है उस किरदार की, कहाँ से शुरू हुई है सारी वो स्टोरी चलती है, और ये बहुत बढ़िया सीक्रेट है, बहुत इजी है टू प्रैक्टिस, लेकिन यही बात है, यही गेम है कि हम इसको याद रखें या इस एक्सपीरियंस में आए, बस यही गेम है, और ये गेम हम जितना शुरू कर देते हैं, जितना ज्यादा इसके इसके लिए हम टाइम निकालते हैं, जितना वहां से शुरू हो जाएंगे, जहां पे हमारे पास एक सिस्टम है, मन का, बुद्धि का एक सिस्टम है, जिसके लिए हम बार बार टाइम निकालते हैं, और ड्रामा में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आत्मा वापस अपनी ऑब्जर्वर स्टेट में आती है, जो कि उसकी मूल स्थिति है, रियल स्थिति है। सो यहाँ पर आज हम थोड़ा सा आज की साकार मुरली में दो तीन चीजें देखते हैं, जिससे पहले हम अव्यक्त मुरली में आए। अगर आज की साकार मुरली से किसी का कुछ क्वेश्चन है, सो यहाँ पे हम उसको ले सकते हैं, अगर आज की जी निधि बहन। दीदी एक्चुअली मुझे ये साक्षी दृष्टा की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं ड्रामा का ड्रामा के मतलब बाहर रह के मैं आत्मा अपने किरदार को देख रही हूँ, बट अभी एक्चुअली इस रोल में कुछ ऐसा चल रहा है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, तो ज्ञान को लेकर के कि मतलब छोड़ने की बात युगल की तरफ से कि इसे छोड़ दो, तो उसको लेकर चल रही थी। तो इस समय मैं अपने घर पर हूँ और साथ में मतलब ये प्रैक्टिस भी चल रही है, तो मतलब इसमें ये है कि युगल की तरफ से कोई भी फोन कॉल नहीं है उनके तरफ से बिल्कुल साइलेंट है, बट मैं साक्षियों के देख रही हूँ, उसके बावजूद भी मुझे एक संकल्प बहुत तेजी से पुल कर रहा है बार बार कि तू फोन कर ले। एक्चुअली पार्ट में बेटी भी है तो उसके एडमिशन को बहुत लेट हो रहा है, बार बार एक ही संकल्प मुझे परेशान कर रहा है, बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि ये मेरी कहानी नहीं है, मैं आत्मा कहानी से परे हूँ, लेकिन फिर भी एक ही संकल्प मुझे पुल कर रहा है बराबर कि तू फोन कर सकती है, मतलब तू क्या अहंकार को लेके बैठी है इसलिए नहीं कर रही है, तू फोन कर और मैटर सॉल्व हो जाएगा, और बाबा को मतलब मन ही मन याद कर और वहां पे जाकर के बोल दे कि हाँ ठीक है मुझे नहीं करना है ज्ञान, लेकिन साक्षी दृष्टा होकर के अपना पार्ट मतलब अंदर ही अंदर करती जा, बार बार ये संकल्प आ रहा है, तो प्लीज इसमें आप मुझे कुछ हेल्प करें। जी इसको हम देखते हैं, इस चीज को हम लेते हैं।
अभी पहले हम आज की मुरली पे डिस्कस करेंगे। आज की मुरली से कुछ ऐसा क्या आपके लिए रहा है पॉइंट, क्या कैप्टिवेटिंग पॉइंट रहा है, क्या इशारा लिया है? तो मुरली पे पहले देख लेते हैं। बाबा आज की साकार मुरली में भी बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो अपने को आत्मा समझना माना क्या और बाबा को याद करना माना क्या? अपने को आत्मा समझना, हम जो है अपने को वही समझ के चलना, और जो नहीं है वो हम जब अपने को समझ लेते हैं सो उसको कहते हैं अपने को आत्मा नहीं समझना, विस्मृति में। तो जो हम है अपने को वो समझ कर ही एक एक सीन में आना, तो इसको कहते हैं अपने को आत्मा समझना। और बाबा को याद करने से जितना हम सोल कॉन्शियस होते हैं, अपने को अपनी रियल रियल आई खुली हुई है, असली आंख खुली है, और असली में जो हम हैं वैसे ही हम अपने को मान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बाबा की तरफ नेचुरल खिंचाव रहेगा, तो जो अविनाशी है उसके प्रति ध्यान रहता है। तो बाबा की याद एक ऐसा आत्मा के लिए ऐसा वातावरण है जिसमें वो सोल कॉन्शियस रह सकती है। लेकिन पहले बाबा की याद के लिए पहले जरूरी है आत्म अभिमानी स्थिति। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले देह सहित जो देह के संबंध हैं, देह के जितने भी धर्म हैं, पहले इसको भूलो फिर मुझे याद करो। पहले अपने को आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। अगर जो देह के जो संबंध हैं, देह के जो धर्म हैं, वो उसका एक भी तार अगर चिपकी हुई है, अगर उसका एक भी अणु जो है वो जिंदा है, और फिर हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा बाबा, तो उसमें वो यथार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें बाबा की याद नहीं है। उसमें कुछ मांगना होगा, कुछ चेंज चाहिए होगा, कुछ बहुत सारी अलग तरीके की चीजें उसमें मिक्स होती हैं। बहुत सारा उसमें रावण और माया का खेल मिक्स होता है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप इज कि अपने को आत्मा समझो, विच मीन्स कि जो आप हो, जैसे हो वैसे अपने को जानो, एंड देन यू रिमेम्बर गॉड। सो ये है चीज। और धोबी के घर से गई लाइन, कोई ऐसी लाइन जो मुरली में लाइन आई है वो अगर भेजेंगे तो बेटर है, बिकॉज आधी लाइन से नहीं समझ आता। अपने लौकिक पार्ट से बेगर बनना है। आत्मा जो है जिस जो उसने विनाश जो उसने टेम्पररी चीजों को पकड़ रखा है, उसको पकड़ने से वो अपने को समझने लगी है कि मैं ये हूं। तो जैसे कि एक शेर को थोड़ी देर के लिए हम एक शेर के बच्चे को कुछ 10 सालों के लिए हम रख दें बंदरों के बीच में, तो थोड़े टाइम के बाद वो आसपास पूरे टाइम देख रहा है कि बंदर ही हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद वो भी अपने को वो फिट इन करना चाहेगा ना, वो चाहेगा कि मैं भी इनका सबका आपस में कितना अच्छा है, सो आई ऑल्सो बिकम लाइक देम, वन ऑफ देम। तो वो एक टेंडेंसीज आने लगती है ना, तो वो अपनी क्वालिटीज को भूलने लगेगा, वो क्या है कैसा है, लेकिन वो चाहेगा कि मैं इस ऐसा बनूं क्योंकि मेरे आसपास पूरे टाइम ये हो रहा है। तो ऐसे ही आत्मा आई है डॉल्स की दुनिया में, आत्मा अपनी दुनिया से आई है गुड़ियों की दुनिया में, या कहें कि कार्टून्स की दुनिया में। और यहाँ पर आसपास कार्टून्स देखते देखते यहाँ पे भी एक कार्टून है जो कि पूरे टाइम चलता रहता है, तो थोड़े टाइम के बाद आत्मा को होने लगता है कि मैं भी कार्टून की तरह रहूं ना, मैं भी कार्टून बन जाऊं। तो यहाँ से जैसे ही वो अपने को अंदर से एक डिसीविंग स्टार्ट होती है कि मैं कार्टून हूं, तो वहां से शुरू होता है बेगिंग, इमेंस बेगिंग। फिर वो इस अपने को समझ रहा है कि मैं ये कार्टून हूँ, तो इसकी बेहतरी के लिए ना, इसकी
इसके फायदे के लिए उसको कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा बेगिंग करना ना, कुछ ना कुछ नहीं, एट एवरी लेवल, एवरी लेवल बेगिंग होगी। हाँ, अनासक्त होकर रहना, ट्रस्टी समझना, हाँ यही समझ है, सही समझ है रागिनी बेन। हाँ जया बहन, आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो अभी इसका आंसर आप ही करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक चीज है, तो इसका आंसर आप ही चैट में लिखिए एंड हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जीरो अटैचमेंट्स विद दिस फिजिकल वर्ल्ड, राइट। अब बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू, उनको कहते हैं मंत्र छू मंत्र, सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो जादूगरी है, सबसे बड़ी जो जादूगरी बाबा हमारे सामने लेकर आते हैं, वो है कि इसी सेकंड में कोई भी आत्मा कितनी भी ज्यादा कितनी भी ज्यादा फंसी हुई हो ना, कितना भी उसका डजेंट मैटर, कितनी लेवल्स ऑफ अटैचमेंट है, कितनी ज्यादा स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन जैसे धोबी के घर में होता है कि कोई भी दाग है, धोबी के घर में कोई सामान भेजा, धोबी के पास कोई भी भेजा और कुछ भी दाग है तो वो कैसे उसको चट से साफ कर देते हैं तो उससे भी बड़ी जादूगरी है, उससे भी बड़ा, इसमें तो फिर भी टाइम लगता है और तो, लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जो जीवन मुक्त जो स्थिति है, जीवन मुक्त की जो स्थिति है, जो कि एक निरंतर स्थिति, माना कि एक निरंतर कांस्टेंट स्टेट, एक अवस्था जम गई, तो उसके लिए आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, अभी किस लेवल का अटैचमेंट है, डजेंट मैटर, आप इस सेकंड से, पहले ही सेकंड से आप उसी जीवन मुक्ति की स्थिति को एक एक सेकंड भी अनुभव करते जाओगे, तो वो जो अवस्था है, वो जो स्थिति है, उसकी शुरुआत है अभी इस सेकंड में, आपके पास मेथड है इंस्टेंट जीवन मुक्ति का ना, तो फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो फाइनल आत्मा की अवस्था है, उसके लिए हम बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अभी कुछ और करो और फिर एक दिन आप जीवन मुक्त बन जाओगे। बाबा कहते हैं ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, और इसके लिए, जीवन मुक्ति के लिए, आप अभी ही, जो भी सेकंड मिलता है आपको, आप अभी ही जीवन मुक्ति में आओ। तो A1, इट इज लाइक कि अगर किसी को A1 मार्क्स चाहिए, A+ चाहिए, तो उसका कोई भी आंसर वो लिखे, तो एक एक ही क्वेश्चन उसके सामने आया है तो उसमें भी वो आंसर लिखे तो A+ लिखे। सो बाबा कहते हैं कि इसी सेकंड से, पहले सेकंड से जब आप A+ स्थिति का अनुभव करते हो, भले 2 सेकंड के लिए हो, भले 1 मिनट के लिए हो, तो इट इज लाइक अभी आपके पास ये जादूगरी है, अभी आपके पास ये जीवन मुक्ति का मंत्र है, जहाँ पे 1 सेकंड में माया छू मंत्र होती है, 1 सेकंड में। तो वो जो फाइनल स्थिति है जहाँ पे नो माया, कोई माया कभी आती ही नहीं है, उस स्थिति के लिए आप अभी से 100% उस स्थिति में आते हो, भले आप उसको सस्टेन ना कर पाओ, निरंतर नहीं कर पाओ, लेकिन 2 मिनट, 1 मिनट, कुछ सेकंड, एंड यू अचीव दैट। सो ये माया को छू मंतर करने का, तो पूरा पूरा जो ये पैसेज है कि तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी, ये है उनका रथ, इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं, तो ऐसे ही जो ये शरीर है, इसको भी हम कहते हैं, इस ये जो पार्ट चल रहा है, ये भी जो शरीर चल रहा है, इसको भी डिब्बी ना, डिब्बी किसी भी चीज की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, पेपर की हो सकती है, तो ये सब जैसे कि बॉक्सेस, पूरी दुनिया ही बॉक्सेस की है, पूरी दुनिया ही डिब्बियों की दुनिया है ना? ये भी बाबा का, बाबा इम्प्लाइज कि ये पूरी जो दुनिया है ये डिब्बियों की दुनिया है, तो
बाबा कहते हैं कि इसको डिब्बी भी कहते हैं, इस डिब्बी में वो हीरा है, लेकिन ये दुनिया हीरों की दुनिया नहीं है ना, दुनिया डिब्बों की दुनिया है। तो कितनी फर्स्ट क्लास चीज है जो हीरा है, वो कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं ना। तो कलयुग भी डिब्बी की दुनिया है, सत्युग भी डिब्बे की दुनिया है, वो गोल्डन एजेड डिब्बा है, यहाँ पे पतित डिब्बा है, लेकिन पूरा ड्रामा जो है, इट इज लाइक अ वर्ल्ड ऑफ बॉक्सेस, वर्ल्ड ऑफ डिब्बियां। तो बाबा कहते हैं ना कि धोबी के घर से गई छू, तो इनको कहते हैं छू मंत्र। तो छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं ना। तो छू मंत्र मनमना भव का मंत्र है, जहां पे जिसको कहा कि माया को वशीकरण वश करने का मंत्र है, यही छू मंत्र है जिससे जीवन मुक्ति। तो इसके लिए ये जरूरी है कि अभी इस सेकंड में ही कंप्लीट जीवन मुक्ति के अनुभव में आना। उसमें क्वांटिटी नहीं मैटर करती है, उसमें सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है। हाँ, तो जया बहन कहती हैं कि जितना जितना खुद को आत्मा समझेंगे, उतना देह से ममत्व मिटता जाएगा, लेकिन खुद को आत्मा समझना ही मुश्किल है। बाबा यहाँ पर आए हैं, इस दुनिया का वन ऑफ द सिम इजी टास्क, एक वन ऑफ द इजी टास्क ये है, मनुष्य को देवता बनाना ना, जो बाबा का टास्क है मनुष्य को देवता बनाना। तो हम ऐसा कहते हैं कि ये इस पूरी दुनिया में बहुत सारे टास्क हैं, PhD करना, कुछ पढ़ना, कुछ कुछ भी, बहुत सारे टास्क हैं, उसमें से ये वन ऑफ द इजिएस्ट टास्क है। आप ऐसा मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये बात आई है कि आत्मा समझना ही बहुत मुश्किल है, सो ऐसा मानेंगे बाबा जो कर रहे हैं, भले इसमें 90 साल लग रहे हैं, 100 साल लग रहे हैं, लेकिन ये जितने भी काम हो रहे हैं इस दुनिया में, उसमें से सबसे इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम समझते हैं। अग्री करता है कोई यहाँ पे? इससे कोई अग्री करता है? लेकिन जो बाबा को, जो सभी आत्माओं को जो पार्ट मिला है ना, और बाबा का पार्ट ये है कि मनुष्य को देवता बनाना, तो बहुत सारे सब कहते हैं कि इजी है, सब जया बहन को बताएंगे कि इजी है ना। अच्छा, क्यों इजी है, क्यों इजी है? रागिनी बहन कहते हैं क्योंकि यही ट्रुथ है, यही सत्य है ना, और कल पहले भी यही हुआ है। और कोई कारण? बाबा ने आसान बनाया है, फ्री है, शिफ्ट ऑफ इंटेलेक्ट चाहिए बस। अच्छा, और कोई कारण? हाँ, यही ट्रुथ है, राइट। सिर्फ जगना ही है, जगाना ही है सोए हुए को ना। ये टास्क, जैसे सभी ने कहा है, ये टास्क वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क क्यों है? क्योंकि जो जो चीज जो है, उसको वही होना है। सभी आत्माएं दैवीय हैं और उनको देवता बनना है। तो यहाँ पे इतने सारे काम हो रहे हैं कि जो चीज वो है नहीं, लेकिन उसको वो बनाया जा रहा है, और फिर भी इट इज अचीवेबल, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे आत्मा दैवी ही है, डिवाइन ही है, और उसको अपनी डिविनिटी ना, उसी को देवता बनना है, उसी को डिवाइन होना है। तो जो चीज जो है
ये एकमात्र काम है जहां पे जो चीज जो है वो वही वही यू नो इट इज कमिंग टू रियलाइजेशन कि मैं ये हूँ. तो ये सबसे इजी काम हुआ ना, ये वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क हुआ. यहाँ पे हम कितनी चीजों को मोल्ड करके क्या से क्या बना रहे हैं, कितनी मेहनत हो रही है ना, कोई कितनी लाइव्स हैं ऐसी जिनका जिनको हम मतलब एक एक सोल को हमने यू नो माया ने कन्विंस कर दिया है, रावण ने कन्विंस कर दिया है कि आप गुड्डे गुड़ियों के खेल की एक गुड़िया हो, और वो पूरी मेहनत से लगा पड़ा है प्रूफ करने, पूरी दुनिया में सिद्ध करने कि मैं ये हूँ, मैं ये कार्टून हूँ, है ना, मैं ये हूँ. और यहाँ पे बाबा सेज यू नो जो तुम हो ही, तो इसीलिए है. एक तो बहुत ही सिंपल चीज है कि जिस चीज को हम मुश्किल कहते हैं तो वो हमें मुश्किल ही लगती है ना. ये तो एक बेसिक बेसिक बहुत ही दुनियावी बात है कि जिस जिस भी चीज को हम सोच लें कि यू नो इट इज डिफिकल्ट, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू सीम डिफिकल्ट, और आसान कहते हैं तो आसान लगती है ना. ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारा मन कैसे काम करता है. लेकिन दूसरी बात जो बाबा की तरफ से बात है कि ये जो जो है वो वही वही बन रहा है, बन भी क्या रहा है, वो वही है. सो ये एक चीज है. और एक ही चीज है जो कि जिसके लिए बाबा कहते हैं कि बहुत मेहनत है ना, याद की यात्रा के लिए बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, फिर बाबा कहते हैं ये बहुत सहज योग है ना? कभी बाबा कहते हैं बहुत मुश्किल है, कभी कहते हैं कि बहुत इजी है. तो ये मुश्किल है या आसान है ये किस पे डिपेंड करता है? अपने को आत्मा समझना, बाबा कहते हैं इससे कोई आसान चीज है? घर बैठे आपकी लॉटरी लग गई, इससे आसान कोई चीज है? फिर बाबा कहते हैं ये बहुत मुश्किल है. बाबा भी कहते हैं, बाबा बाबा ही खुद ही कहते हैं, जो जया बहन कह रही हैं बाबा भी कहते हैं ये बात. तो सेम चीज को, कोई चीज मुश्किल है कोई चीज डिफिकल्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है? दो चीजें कैसे हो सकती हैं? हाँ जया बहन, आपने अभी भी समझा नहीं, लेकिन आत्मा पर बहुत सारी आइडेंटिटीज चिपकी हुई है, आत्मा पर चिपकी है ना, आत्मा का नेचर नहीं है. आपने समझा नहीं कि अगर भगवान कोई चीज करने आया है तो वो जरूर आसान है, और जरूर वो सबने करी है तभी वो करवा रहा है ना. ये यहाँ पे एक फाइंड, यहाँ पे एक यू नो हिट करना है, यहाँ पे एक लाइट बल्ब जलना है कि जो चीज भगवान कह रहा है और भगवान करवा रहा है तो वो चीज जरूर सभी कर सकते हैं, तभी हो रही है. बट एनीवेज, व्हाई इज द सेम थिंग डिफिकल्ट एंड व्हाई इज द सेम थिंग इजी? हाँ, मासी का घर है और फिर आसान है, सहज है, पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है. हाँ, ईगो सुन रहा है तो डिफिकल्ट है, आत्मा सुन रही हो तो इजी है ना? और इट डिपेंड्स ऑन इंटेलेक्ट या ये आसान है या डिफिकल्ट है, ये हमारे किस पे डिपेंड करता है ना. सेम चीज आसान है या डिफिकल्ट है तो वो डिपेंड करता है हमारे मेथड पे ना? हमारे हाँ, सारा मदार है बुद्धि पर. तो बुद्धि क्या है? बुद्धि हमें वो, बुद्धि हमारा एक तरीके से क्या कहें कि गेयर है, गेयर कहें या इंस्ट्रूमेंट है. बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे कि किसी को हमें कॉल करना है तो फोन बीच में निमित है, इंस्ट्रूमेंट है ना, इट इज जस्ट अ डिवाइस. तो ये हमारा बुद्धि ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और अगर ये इंस्ट्रूमेंट गलत यूज हो रहा है तो सेम चीज बहुत मुश्किल है, और अगर ये इंस्ट्रूमेंट ये सही यूज हो रहा है तो सेम चीज बहुत इजी है ना. अभी हम यू नो बोला गया है कि हमको ऐसे नाक पकड़नी है, लेकिन हम इसको ऐसे हाथ घुमा घुमा के पकड़े या सिंपल पकड़े, तो इट डिपेंड्स ऑन हाथ से पकड़ना है ना. बट आप उसको गलत यूज कर रहे हैं तो सेम चीज आपको लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, और अगर सही यूज कर रहे हैं तो फिर इजी लगेगा. सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज द इंटेलेक्ट एंड हाउ वी यूज द इंटेलेक्ट. तो जो
हाँ, इंटेलेक्ट अगर हम बाबा के हिसाब से यूज कर रहे हैं जब, तो फिर इजी है ना। और बाबा के हिसाब से यूज करना मतलब कि बाबा जो जानते हैं वो जानकर हम कर रहे हैं। अगर बाबा जो जानते हैं वो हम नहीं जानते, अगर बाबा बाबा जो जानते हैं वो ये बुद्धि नहीं जानती है, तो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कहा अभी किसी ने ना कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बाबा क्या जान रहे हैं, बाबा ये जान रहे हैं कि ये तो सब रियल में यही है और यही ट्रुथ में सबको वापस आना है ना? और वापस भी क्या आना है, थ्रू आउट द जर्नी आत्मा तो आत्मा ही रहेगी ना। अब वो अपने को समझ कुछ और रही है क्योंकि जो भी ड्रामा का पार्ट चलता है, लेकिन वो चीज तो वही रहेगी। सो ये बाबा जानते हैं। एंड इफ आई डोंट नो दिस, हमें बहुत ये पता चल गया है कि ये आइडेंटिटीज बहुत हैं, ये बहुत है, वो बहुत है, तो देन वे ये दोनों बुद्धि सेम चीज नहीं जानते हैं। सो अब ये बुद्धि को हम अलग तरीके से यूज करेंगे, जो चीज इजी है उसको डिफिकल्ट बना देंगे। सो हमारा जो बुद्धि है, सारा मदार बुद्धि पर है, और बुद्धि इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ना, बुद्धि ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है। लैब में कोई टेस्टिंग करते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा रिजल्ट, है ना। कोई भी चीज, अगर हमें शरीर का वेट लेना है, आपका इंस्ट्रूमेंट अगर राइट है तो वो राइट दिखाएगा वेट, अगर इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है तो वो नहीं दिखाएगा सही रिजल्ट। तो अब आत्मा अभिमानी स्थिति इज लाइक अ रिजल्ट ना ऑफ ऑफ द यू नो मीडियम यू आर यूजिंग, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ना, क्या आप यूज कर रहे हैं। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है तो वो हर बार फॉल्टी रिजल्ट दिखाएगा। तो इसीलिए पारसनाथ आए हैं ना, ये युग है पारस बुद्धि बनने का। फोर्थ फोर्थ मई की मुरली ना, सैटरडे की मुरली, ये युग है पारस बुद्धि बनने का। तो बुद्धि हैज टू बी सेम एज बाबा एंड नॉट सेम एज बाबा, ये भी बोलने से कुछ और हम सोचेंगे, बट बुद्धि जो है बिल्कुल यू नो कोई उसमें फॉल्ट ना हो। तो अगर 2 मिनट के लिए भी अगर हमें इस रिजल्ट में आना है, आत्माभिमानी स्थिति में आना है ना, जीवन मुक्ति की स्थिति में आना है, तो ये 1 सेकंड का काम है। बाबा कहते हैं ये 1 सेकंड का काम है जीवन मुक्ति। 1 सेकंड का कैसे काम है, अगर इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो 1 सेकंड का काम नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है तो फुल स्टॉप 1 सेकंड में लगेगा, जीवन मुक्ति का अनुभव 1 सेकंड में होगा, एवरीथिंग इज 1 सेकंड की बात। लेकिन इंस्ट्रूमेंट अगर नो एक्यूरेट है, इंस्ट्रूमेंट इज बुद्धि, तो भले सारा दिन यू नो क्या भी चलता है बहुत सारा, लेकिन एटलीस्ट जब हम अनुभव में आ रहे हैं तब तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट की तरफ नजर डालें, तब तो चेक करें कि इधर इधर क्या चल रहा है, क्या इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट यू नो है। और 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब 100% एक्यूरेट बुद्धि, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि उसको पता है कि ये सारा ही कुछ ड्रामा है और ये सारा ही कुछ अभी फिनिश होना है और घर जाना है। और आत्मा आई है शरीरी विदाउट अ पार्ट, विदाउट अ यू नो विदाउट अ बॉडी, और यहाँ आके उसने पार्ट प्ले करना शुरू किया है, यहाँ पे आके सब कुछ कहानी शुरू हुई है, तो वैसे ही उसको जाना है। सो यहाँ पे ये है 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए फिर हम यहाँ पर कल की जो मुरली है हमने, हाँ हमने इसको नहीं फिनिश किया था। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे बात हुई कि स्थिति इस स्थिति में आने के लिए, संतुष्टता की स्थिति में आने के लिए क्या चाहिए, साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, जिसको बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी अवस्था। तो हर कर्म अर्थात हर बात को तीनों कालों को परख कर फिर कर्म करने वाले, इसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं। वो 2 बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी
और संपत्ति भी अविनाशी। वो प्राप्त तो होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्वात्माओं की प्रिय हो जाती है। तो आत्मा जब इसको डिस्कवर करे, इसको इस एहसास में आए कि संबंध भी अविनाशी है और संपत्ति भी अविनाशी है, ये ऐसा संबंध है जहां पे हम भी उसको नहीं भूलते हैं, और बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों से ज्यादा बाप बच्चों को याद करते हैं, और बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों की याद के बिना रह नहीं सकता। जो अभी अप्रैल अप्रैल का जो लास्ट संडे था, उसकी जो अव्यक्त मुरली, अप्रैल के लास्ट संडे की जो अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने कहा कि इवन इवन फॉर अ सेकेंड माय समथिंग लाइक कि आई रिमेम्बर ऑल द चिल्ड्रन एंड दैट इज माय एग्जिस्टेंस, ऐसा कुछ इंग्लिश में ऐसा था, लेकिन उसका मूल जो अर्थ था कि एक सेकंड भी मैं आत्मा की बच्चों की याद के बिना नहीं रह सकता। सो जब हम इसको डिस्कवर करते हैं, जब हम इस एहसास में आते हैं, जब बुद्धि 100% एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, तो वो डिस्कवर करती है कि बाबा एक सेकंड भी बिना याद के नहीं है, अविनाशी संबंध है और अविनाशी संपत्ति, प्राप्ति भी जो है वो अविनाशी है, तो बाप के और सर्वात्माओं के प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं है, ऐसे महसूस करते हैं जैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो घबराते नहीं है, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर, ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है ना, ड्रामा के पूरा बेहद का ड्रामा है ना, बेहद की स्क्रीन पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है, स्क्रीन पर चल रहा है बस ना, स्क्रीन पर चल रहा है बस ना। आई थिंक लेट्स सी, अगर हम आज देख सकते हैं, हाँ अभी हम इसमें अभी एक हम वीडियो देखेंगे अभी, है ना, एक वीडियो देखते हैं। सो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि पर्दे पर्दे के सामने जो है मिक्की माउस का खेल चल रहा है, और पीछे ना पीछे तो ट्रुथ है, तो फिर पर्दे पे कुछ और चल रहा है, तो घबराते नहीं है, ये पर्दे की बात है, ये सिर्फ पर्दे पर है, तो परेशान नहीं होते हैं, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं ना, मिक्की माउस का खेल देखकर मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं ना, माया के भिन्न भिन्न रूप मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है, ऐसी स्थिति का अनुभव बाबा के द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन, बुद्धि कैसे निर्भय एकाग्र बुद्धि बन ना, बुद्धि 100% जब एक्यूरेटली हम उसको फिक्स करते हैं, जैसे हम वेइंग स्केल को नहीं बिल्कुल जीरो पे कांटा बिल्कुल सीधा रखते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल राइट आएगा, तो ऐसे ही बुद्धि का कांटा बिल्कुल 100% जब हम फिक्स करते हैं तो क्या हम समझते हैं कि कुछ खोने को नहीं है ना, कुछ भी खोने को नहीं है। सो क्या होता है, निर्भय एकाग्र बुद्धि। परिस्थिति भी में डगमग नहीं होते ना, परिस्थिति में डगमग नहीं होते हैं। लेकिन माया जो हमारे को एक्चुअली क्या करती है, बहुत माया जो है वो ऐसा ढोंग ढोंग रचती है ना, बहुत बड़ा क्या बोले, चीटिंग चीटिंग
ये उसको पर्दे पे मिक्की माउस दिख रहा है और वो कन्विंस कर लेती है कि ये रियलिटी है, जबकि पीछे कुछ नहीं है, मिक्की माउस के जो स्क्रीन पे पीछे कुछ भी नहीं है। अभी हमने लाइट बंद करी, कैमरा बंद किया, एक्शन बंद, कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। जैसे कोई सीन शूट करना होता है ना, तो दिखाते हैं कि एक डूब रहा है, फिर दूसरा जाता है उसको बचाने के लिए और फिर लेकर आता है ना, लेकिन ये सीन शूट करने के लिए ये सब किया। एक्चुअली में ना ही कोई डूब रहा था, एक्चुअली में वो एक टब के अंदर बैठा है और ऐसे ऐसे बस हाथ हिला रहा है, और ना ही कोई बचाने के लिए गया ना। सीन ऐसे बनता है कि वो डूब रहा है, वो बचा रहा है और ये सब चलता है सीन ड्रामा के अंदर, बट ना ही वो डूब रहा था ना ही उसने बचाया है। इट इज जस्ट अ शो, इट इज जस्ट अ शो। सो ये बुद्धि का कांटा बिल्कुल सीधा, जब हम इस पूरा स्मृति में आते हैं, ये बिल्कुल सीधा कांटा, और इससे फिर 100% रिजल्ट है 1 सेकंड के अंदर ना, 100% रिजल्ट है 1 सेकंड में। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसी विजयी आत्माएं सदा, जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदैव सदा विजयी बन, बाप को अपना विजयी का स्वरूप दिखाए, तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। तो बाबा कहते हैं ये जो माया जो बहुत चीटिंग करती है ना, वो दिखाती है कि तुमने बचाया और ये हुआ और फिर मैंने ये किया और फिर वो हुआ ना, फिर ऐसा हुआ, तो ये जो चीटिंग है पूरी, एक्चुअली कुछ है ही नहीं, एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं है। सो जो इसको समझ लेते हैं, जो इसकी अवेयरनेस में आ गए, वो विजयी है फिर, वो जीत गए, गेम ही जीत गए। आत्मा जो सबसे अमीर है, सबसे मतलब बादशाह है, उसको कन्विंस कर रहे हैं कि ये बेगर है, तो जब कन्विंस हो गए तो फिर हार गए, और जब रियलाइज हो जाए कि यू नो इट इज ऑल अ शो, ऐसा है ही नहीं कुछ, ड्रामा मीन्स मूवी, ड्रामा मीन्स ड्रामा, इट इज एक्चुअली नथिंग। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये है, अपने से पूछो कि मैं कौन। हाँ, कैलिब्रेटिंग द इंटेलेक्ट करेक्टली, वी विल ये वीडियो देखते हैं। मेबी अभी जस्ट याद आया, आई लाइक दिस वीडियो, जस्ट 30 सेकेंड्स, यू नो, दो ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो नीचे है जो पर्दे पे दिखता है और पीछे है जो यू नो जो हो रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक यू नो चीटिंग, एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, जो ऊपर एक्चुअल में जो चल रहा है और पर्दे पे जो दिख रहा है, इट इज बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग चीज है, तो लेकिन देखने वाला कन्विंस हो जाता है और फिर रो कर भी आता है और हंस कर भी आता है, सब करके आता है। तो ऊपर ऊपर का देखिए कैसे है, जमीन है, और नीचे कैसा दिख रहा है कि जंगल है, हेलीकॉप्टर है, लोग कैसे दिख रहे हैं, ऊपर क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या है बिहाइंड द सीन्स, और दिख क्या रहा है। अभी भी क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, ये देखो, ये बैग्स बैग्स रखे हुए हैं ऊपर, और नीचे ऐसा दिखता है कि क्या देख रहे हैं। सो इट इज बिग डिफरेंस, बिल्कुल, तो नीचे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ऊपर यू नो किसी ट्री पे चढ़े हुए हैं और खड़े ग्राउंड पे हैं ना, और अभी ऐसा इफेक्ट ऐसा है कि हम बहुत ऊपर कहीं खड़े हैं। सो ये बिल्कुल ऊपर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सब सेफ हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, सब सेफ हैं, सब चार दीवारों के अंदर खड़े हैं, कुछ हो नहीं रहा है, जस्ट सीन क्रिएट किया जा रहा है, ना ही कोई दुश्मन है, ना ही कुछ हो रहा है, इट इज जस्ट, और सीन में कैसे दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है कि हाइट पे है दुश्मन, वो कर रहा है, लड़ने आ रहा है,
ना पैनिक हो रहा है, किसी तरीके का डेंजर है, एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। देखो सामने दिखा रहे हैं जानवर है और असल में कोई है ही नहीं, असल में देखो पीछे वो देख रहा है कि इतना बड़ा नथिंग, कुछ है ही नहीं। तो 2 मिनट भी इसमें जब बुद्धि आती है इस स्मृति में, तो इट इज कॉल्ड कि वो 100% रिजल्ट देगी उसके ऊपर। दिस इट इज लाइक दैट। तो यहाँ पर यही बुद्धि का सही जो कहते हैं सारा मदार बुद्धि पर है, तो दिस इज द ऐसे मदार बुद्धि पर है। सो यहाँ पर अभी किसी को कुछ लास्ट में कुछ कहना है? एंड एक्चुअली लास्ट में कहने से पहले आई थिंक निधि बहन ने जो पूछा कि सो आई आई डोंट नो व्हाट वाज द क्वेश्चन, बट अगर आपको संकल्प आ रहा है कॉल करने का या जो भी संकल्प आ रहा है तो आप करिए, उसमें नॉट अ प्रॉब्लम, या जो भी यू नो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अगर ऐसा लग रहा है तो यू नो जो आपको लगता है क्या सही है क्या गलत है, तो यू कैन डू दैट। एंड बस ध्यान यही रखना है कि ड्रामा चल रहा है और ड्रामा की एक स्क्रिप्ट है और वो वैसे ही चलेगी ना, वो वैसे ही चलेगी, और हम अपने को एक्सपेक्टेशन से फ्री कर लें तो वो हमारा पढ़ाई है, वो हमारा एफर्ट है। बाकी अगर हमको अभी ये लग रहा है तो हम ऐसा कर लें, ऐसा करने के बाद भी जो हो जाएगा वो हमारे सामने आएगा। सो यू कैन डू जो भी जैसे भी, और जो संकल्प आपको लग रहा है बार बार आ रहा है एंड आपको लग रहा है कि हम उसको कोई द नथिंग कोई हार्म नहीं है, बट वो क्या करना है क्या नहीं करना है उससे ज्यादा जरूरी है कि हम स्मृति में आते हैं ना, और जितना ज्यादा हम इस समय का फायदा उठाएं कि यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, यू कैन बिकम फ्री, और हम देख सकें कि अगर बुद्धि में कोई भय है, बुद्धि कहाँ क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि तो बाबा ने कहा ना बुद्धि 100% यू नो राइट रिजल्ट देने वाली बुद्धि निर्भय है और एकाग्र है, तो इसको बढ़ाते जाना जी। विवेक भाई दीदी, मुझे कल जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ रीड आउट किया था मुरली से, तो थोड़ा सा आई थिंक इंटेलेक्ट कुछ ढूंढ रही थी, तो बाबा ने उसमें ये कहा था कि संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्तियां हैं। सो व्हेन वी से दैट, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम ड्रामा से फ्री हैं तो वो सर्व प्राप्तियां ऑटोमेटिकली इमर्ज रूप में है, या फिर पुरुषार्थ का एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि फिर सर्व प्राप्ति अनुभव होंगे और फिर संतुष्टता की स्टेज आएगी। इस पे क्लैरिटी चाहिए। नो जैसे फर्स्ट पहले ही सेकंड में हमारे पास चॉइस है कि जो जो शेर है वो डिस्कवर करे कि मैं शेर ही हूँ, नथिंग हैज चेंज्ड। सो यहाँ पर भी आत्मा जो फुल है कंप्लीट है वो पहले ही सेकंड में जब जब ये डिस्कवर करती है, ये इसको डिस्कवर मतलब जब ये ये इसको ढूंढ लेती है कि मेरे पास तो सब कुछ मतलब आई एम फुल, यहाँ पे ये तो पूरा शो चल रहा है और इसके आधार पे कुछ है ही नहीं, आई एम कंप्लीट ना, ये तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं और इसमें से कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा है, सो ये तो आई एम फुल। तो ये जहाँ पे हम पहले सेकंड से जो ये डिस्कवरी है तो ये आत्मा ही डिस्कवर कर सकती है ना, ये ईगो नहीं डिस्कवर कर सकता ना, या हम बोलें कि ये ये अनन्या नहीं डिस्कवर कर सकती है कि मेरे पास सब कुछ है, इट इज ओनली द सोल जो डिस्कवर करेगी कि मेरे पास सब कुछ है, सारी प्राप्तियां हैं, तो सिर्फ ये आत्मा डिस्कवर कर सकती है, ये पार्ट नहीं डिस्कवर कर सकता कभी भी। सो जब हम इसको डिस्कवर करते हैं, इसको इसको इस रियलाइजेशन में आते हैं, इस वंडर में जब हमारी आंख खुलती है कि ये तो सब कुछ है,
और शो में तो क्या चल रहा है, बट ये तो कंप्लीटली फुल, यहाँ तो बिल्कुल सेफ है, कुछ हुआ ही नहीं है, कोई चीज हार्मलेस, कभी भी हार्म ही नहीं हुआ है आत्मा को कुछ। तो इस तरीके से ये जो डिस्कवरी है, इससे संतुष्टता है, सर्व प्राप्तियों से संतुष्टता है। तो संतुष्ट वो रह सकता है जिसके पास सर्व प्राप्तियां हैं। तो जिसने ये डिस्कवर कर लिया है कि शो चल रहा है और शो में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स चल रहे हैं, बट शो के पी और शो में कुछ भी रियल नहीं है तो रियलिटी फिक्शन है, फिक्शन है, बट रियल रियलिटी इज दिस, ट्रूथ इज दिस। सो द सेकेंड यू डिस्कवर, जो पहले ही सेकेंड में जब हम इस एहसास में आए, तो वहां से संतुष्टता, जैसे कहा कल भी कि संतुष्टता या तो है या तो नहीं है, इट इज नॉट कि तो ये हमने डिस्कवर किया कि 75% मैं संतुष्ट हूँ लेकिन 30% अभी भी कुछ बचा है, ऐसा नहीं है। द मिनट यू डिस्कवर कि कुछ भी मेरा नुकसान नहीं होता है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, कुछ है ही नहीं, जैसे हम उस चीज का पार्ट ही नहीं है ना, वो बिल्कुल एक शो अलग चल रहा है, वो फिक्शनल स्टोरी बिल्कुल अलग चल रही है और हम बिल्कुल अलग हैं। तो ये यहाँ पे इसका पहले ही सेकंड जो हमने इसको डिस्कवर किया, तो वहां से पहले ही सेकंड से 100% संतुष्ट था, 100% जीवन मुक्ति, हर चीज जो है 100%। और जैसे ही हमने ईगो थोड़ा सा भी मिक्स किया, तो फिर वो गायब है। वो गायब होने को हम कह सकते हैं कि 50% तो खुश हूँ, लेकिन इट इज नॉट खुशी, वो इट इज नाउ, इट इज नॉट खुशी, अब वो संतुष्टता नहीं है, वो मिक्स्ड है, सो दैट इज डिफरेंट। सर्व प्राप्तियों में सब कुछ आएगा, सर्व प्राप्तियों में सबसे पहली क्या क्या आएगा क्वेश्चन है, तो सर्व प्राप्ति में सबसे पहली चीज है कि सर्व प्राप्तियां, ये कोई शब्द, ये कोई कमेंट्री करने वाली चीज नहीं है कि क्या क्या लिस्ट है ना, कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं ना, 8 हैं कि 16 हैं, ये कोई प्राप्तियों का ये वाला कोई ये लिस्टिंग वाला काम नहीं है। सर्व प्राप्तियां मतलब फुल, मतलब उसका कुछ अधूरा नहीं है, कुछ अधूरा नहीं है, मतलब उसके पास कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, अब वो जो भी हम समझ लें, तो कोई कमी ही नहीं है। तो उसको हम शब्दों से कोई सीमित नहीं करेंगे कि किसकी कमी नहीं है, क्या किसी भी चीज की कमी नहीं है, एवरीथिंग, जिसको बाबा कहते हैं बिंदु और सिंधु, बिंदु है लेकिन देखने में बिंदु है, बट है सिंधु, है ओशन। सो आत्मा बिंदु है बट है सब कुछ है। सर्व सर्व प्राप्ति का ये भी है मतलब कि कुछ चाहिए नहीं, जिस भी मिनट, जितना भी इसको आई कैन आई कैन कम इन टू दिस एक्सपीरियंस, तो कि कुछ भी चाहिए नहीं, ये इसको हम, इसको एवरी सेकेंड माया गेम खेलती है कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, एवरी सेकेंड माया एक्टिव एक्टिव गेम खेलती है कि नहीं नहीं कुछ तो चाहिए कुछ तो चाहिए। बट ये गेम से अगर हमने एक भी मिनट के लिए हम जीत गए, तो द एक्सपीरियंस इज कि कुछ भी चाहिए नहीं, दैट इज सेल्फ प्राप्ति। नीड, आई डोंट नीड एनीथिंग, सोल डजेंट नीड एनीथिंग, इंक्लूडिंग हवा, पानी, वाईफाई, खाना, ब्रह्मा भोजन, टोली, ब्लेसिंग कार्ड, कुछ चाहिए नहीं, दैट क्योंकि सर्व प्राप्ति है। इच्छा मात्र में मिल गया। सो या नीड नथिंग स्टेज, या किसी ने पूछा है कि ये भी माया में आता है क्या, ज्यादा ज्ञान के वीडियोस देखना या जो भी, माया कहीं पर भी, और माया के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे माया नहीं आ सकती है, दैट इज इट, माया हर जगह हर तरीके से हर चीज में आ सकती है। अब वो
टू मच ज्ञान के वीडियोस हो, जैसा भी जो भी है, डोर उसका खुला है, वो डोर अपना खोल लेती है, वो रास्ता बना लेती है। और माया है तो उसका बहुत सारी पहचाने हैं, बहुत तरीके से हम समझ सकते हैं माया है, लेकिन मेन थिंग की माया है तो एक्सपीरियंस नहीं है। मेन थिंग माया इज प्रेजेंट, सो वो किसी ना किसी तरीके से आत्मा के पास जो बादशाही है, आत्मा जो बादशाह है उसको उस बादशाही से वंचित करेगी, उसको उसकी बादशाही का अनुभव करने से रोकेगी, तो विच मीन्स कि एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। तो ये पहचान है कि माया है। तो यही पहचान है, तो अब वो कहाँ पे कैसे है हम देख सकते हैं। हाँ, परम धाम के एक्सपीरियंस में भी आ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है। परम धाम का एक्सपीरियंस, ये तो सब शब्द है ना, परम धाम का एक्सपीरियंस ये वो, तो बिल्कुल आ सकती है। परम धाम के एक्सपीरियंस में भी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारा बुद्धि है ना, बुद्धि से अनुभव हो रहा है। परम धाम मतलब अविनाशी दुनिया का, आउट ऑफ ड्रामा का। तो अगर बुद्धि ही करप्टेड है तो सब एक खेल की तरह चल रहा होगा कि परम धाम में है, हम आत्माएं हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन यू नो सम वी विल नो, हमें पता होगा कि एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज जस्ट कुछ चल रहा है, कुछ शब्द चल रहे हैं, कुछ कुछ गाना चल रहा है, समथिंग इज वियर्ड, ये एक्सपीरियंस नहीं है। सो भले परम धाम है, आत्माएं हैं, बाबा, एवरीथिंग इज देयर, ऑल द वर्ड्स, एवरीथिंग, बट एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये है कि माया लॉक करती है। अगर कोई इच्छा है तो ड्रामा है या माया है? इच्छा है तो माया है, जो कि अल्टीमेटली ड्रामा में है, लेकिन है माया। फिर ऐसे क्या चीज है, फिर ऐसी क्या चीज है जहां माया ना हो? माया लाइट में नहीं होगी, जो कंप्लीट, जो आत्मा जो डिस्कवर कर ले, जो पूरा कि ये है, जो है उसको, जब हम उसको देख रहे हैं, सो माया नहीं है। मतलब माया इज लाइक अंधेरा, अंधेरा, इच्छा इज लाइक अंधेरा, उसमें फिकर, चिंता, स्ट्रेस, सब कुछ जो जो भी है वो सब अंधेरे की निशानी है। सो अगर हम यहाँ पे लाइट जला दें तो अंधेरा नहीं है, अब वो लाइट ही है कि आई एम फुल लाइट है, आई एम, एंड ये कोई अफर्मेशंस नहीं है, ये सिर्फ संकल्प नहीं है, लेकिन सच में हम इस, जैसे शेर को पता है कि वो शेर है, लेकिन लाइक ही नोज कि मैं शेर हूं, तो इट्स लाइक दैट कि आत्मा कंप्लीट है, भरपूर है, यही यही है। सो इट इज नॉट जस्ट एक संकल्प, एक एक एफर्मेशन, एक एक जस्ट कमेंट्री, बट आप देख रहे हैं इस चीज को, हम अनुभव कर रहे हैं कि यही है। सो इट्स लाइक अ डीप शिफ्ट, अंदर से एक बुद्धि का परिवर्तन, बुद्धि का पलटना, बुद्धि का पलटना बोले, बुद्धि का सीधा होना, यही यही है। तो उस समय को जैसे हम बढ़ाते जाएंगे कि व्हाट इज रियल, वो देख पाना, वो वहां माया नहीं है, वहां डार्कनेस नहीं है, अंधेरा नहीं है। नीड एंड इच्छा में कैसे डिफरेंस करें? नीड एंड इच्छा, पहले पहले कन्विंसिंग होती है कि ये जरूरत है माया जब बुद्धि को फेरती है, तो पहले ये कन्विंसिंग है कि ये जरूरत है मेरी, मतलब जब आत्मा सो गई है तो सबसे पहले हम सबसे पहले द थिंग इज कि मैं ये कार्टून हूँ,
और इस कार्टून की ये जरूरत है, और ये जरूरत मतलब इस जरूरत के बिना एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर इससे इच्छाएं हैं जरूर, जहां पे हमने नीड ले आए ना, माया क्रिएट्स अ नीड। इच्छाएं करने से सबको तकलीफ होता है, दुख होता है, लेकिन क्यों फिर भी इच्छा करते रहते हैं, क्यों फिर भी छोड़ते नहीं है इच्छाएं करना, क्योंकि एब्सोल्यूटली कन्विंस्ड है, मान चुके हैं कि ये है जरूरी, मतलब ये इम्पॉसिबल है इसके बिना, इतना जरूरी नीड है ये। सो इस तरीके से सारा गेम विस्मृति का है ना। ये दीपक भाई, इज दिस क्लियर? नीड एंड इच्छा कहना चाहेंगे आप? किसी ने कहा है कि माया भी बाबा की लाडली बेटी है ना, सो जब बाबा कहते हैं ना माया भी लाडली बेटी है, मे बी दिस इज फॉर अनदर डे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावरफुल है। जब बाबा कहते हैं कि माया बेटी है ना, सो इट डजेंट मीन कि बाबा ये इम्फसाइज कर रहे हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, इट जस्ट मीन्स कि इट्स अ डिफरेंट मीनिंग। तो हम इसको देखेंगे, ये अच्छा टॉपिक है, आई थिंक हम इसको अगली बार देखेंगे। सो वी विल सी इट नेक्स्ट टाइम, एंड पुरुषार्थ के लिए ये 4 4 आवर्स के अटेंशन को आई थिंक ये पहले का आप सुन सकते हैं, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर उससे कुछ क्वेश्चन हो डायरेक्ट तो वो हम पूछ सकते हैं, लेकिन दैट इज एक्सप्लेन्ड, और रिफाइंड बुद्धि इज ओके। रिफाइंड बुद्धि, चलिए। सुख, सुख स्वरूप का इंग्लिश वर्ड क्या होना चाहिए? सुख स्वरूप, सुख स्वरूप इन एंजॉयमेंट ऑफ, सॉरी, एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस सब बोलते हैं। अब आई डोंट नो ये राइट वर्ड है कि ये नहीं, ट्रांसलेशन इज ऑलवेज ट्रांसलेशन, बट या एम्बॉडीमेंट। सो ओम शांति, और शांति।